हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे। मैं हूँ आपके साथ अमीषा सिंह और मेरे साथ है शिवानी रौतेला। और आज हम बात करने वाले हैं मतलब सबसे क्यूटेस्ट कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। जैसा कि आप सभी को पता है ये जो दोनों कपल है ना, ये 2022 के मतलब मुझे लगता है न्यू ईयर के दिन इन्होंने सोच लिया था कि पूरी दुनिया वालों को ना सबसे ज्यादा अगर गुड न्यूज कहीं से मिले तो वो कपूर खानदान से ही मिलना चाहिए। तो ऐसे में जैसा कि सबसे पहला गुड न्यूज इन दोनों की शादी हो गई, दूसरा गुड न्यूज ब्रह्मास्त्र, शमशेरा और रणवीर कपूर की बहुत सारी फिल्में और साथ ही साथ आलिया भट्ट की भी ब्रह्मास्त्र, जिससे इन दोनों की रोमांस स्टार्ट होती है। आने वाली है आलिया भट्ट की 5 अगस्त को। वही सबसे बड़ी गुड न्यूज कैसे भूल सकती हूँ, जो बेबी बिल्कुल अब माँ बाप बनने वाले है, कपूर खानदान का वारिस चिराग आने वाला है। और दोनों का कुछ भी हो हम तो सबसे पहले आपके लिए खबर लेंगे। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा गुड न्यूज जब इन्होंने दे दिया है तो मुझे नहीं लगता दिसंबर तक भी ये लोग रुकने वाले हैं बहुत ज्यादा, और भी मुझे लगता है हर एक दिन इनके तरफ से गुड न्यूज तो आना बनता है। तो ऐसे में अब रणवीर कपूर ने अपनी वाइफ की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी है। आखिरकार क्यों ना करें, क्योंकि आलिया भट्ट भी पीछे नहीं हटती। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल रिलीज हुई थी शमशेरा, जिसमें संजय दत्त एज अ विलन है, वाणी कपूर हीरोइन है और रणबीर कपूर की क्या बात करें, वो तो जुड़वा है। अब बाप भी वही बने और बेटे भी वही बने हैं, क्योंकि सेम सेम शक्ल, अब क्या ही कहें, क्योंकि 5 स्टार्स तो मिल चुके हैं इन्हें, क्योंकि ब्लॉकबस्टर जा रही है मूवी। वहीं आलिया भट्ट ने इतनी तारीफ करी और तारीफ के साथ साथ एक जिसे कहते हैं ना कि प्रिंटेड शर्ट कपूर की पहनी हुई और पोस्ट कर डाली। और ये जो लुक है ना उनका, वो उन्होंने सेल्फी ली है और ये मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि वहां पे कपूर लिखा हुआ था। और अब ये टोटली कपूर खानदान की प्रॉपर बहू वाला जो किरदार होता है ना वो निभा रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे आपको पता ही है कि उसने इतनी ज्यादा तारीफ करी है कि शमशेरा तो अच्छी जानी थी, बिल्कुल मेरा पति, यानी कि रणबीर कपूर इसमें है। और साथ ही साथ अब जब बीवी बोल रही है तो आखिरकार पति कैसे ना बोले, तो रणबीर कपूर ने भी बोल दिया कि जिंदगी में एक ही मंत्र है कि अगर बीवी खुश तो जिंदगी खुश। बिल्कुल, और ये जो मंत्र है ये तो सभी को अपनाना चाहिए, क्योंकि बीवी को सभी को बहुत ही ज्यादा खुश रखना चाहिए। ऐसे में अब आलिया भट्ट की इतनी सारी फिल्में आ रही है, रणबीर कपूर का इतना सारा फिल्म, जैसे कि उनका ब्रह्मा शमशेरा आ चुका है और अब ब्रह्मास्त्र के लिए आप लोग तो वेट कर ही रहेंगे, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो साथ में देखने वाले हैं आप लोगों को। बिल्कुल, और रणबीर कपूर ने ये भी कहा कि डार्लिंग्स जो आने वाली है आलिया भट्ट की, वो मैंने मूवी पहले देख ली है और वो इतनी ज्यादा प्यारी मूवी है कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो आलिया से तो उसने अप टू द मार्क ही काम किया है। वो तो देखने वाली बात होगी कि कब डार्लिंग्स आएगी और कब, यानी कि 5 अगस्त को आएगी, वैसे तो हमें पता है कि कब आएगी, लेकिन जितना प्यार हम लुटा रहे हैं आलिया भट्ट पे, क्या वो उस पे खड़ी उतर पाएंगे, क्योंकि अब कुछ भी हो लेकिन ये पति पत्नी अपनी एक दूसरे की तारीफ करना तो पीछे नहीं छोड़ेंगे। और ये पति पत्नी हमें भी बहुत ज्यादा खुश कर रहे, इतने अच्छे अच्छे गुड न्यूज। बिल्कुल, और क्या नई गुड न्यूज देने वाले हैं ये दोनों, ये अगर कुछ भी हमें हिंट लगेगा तो हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।